नमस्कार, मेरा नाम है सत्य प्रेम। मेरी उम्र 52 साल है। कामा भरतपुर राजस्थान से हूँ और 2016 में जनवरी में मुझे पसीना आया, हार्ट में पेन होने लगा और हाथों में भी दर्द होने लगा। तो मैंने अपने डॉक्टर दिनेश गुप्ता जी से राय मशवरा करी तो उन्होंने कहा कि आपको हार्ट अटैक है तो आपको इसके लिए ट्रीटमेंट लेनी है। तो उस समय स्थिति के अनुसार मुझे हॉस्पिटल ले जाने के बाद में एंजियोग्राफी हुई, जहाँ पर 4 ब्लॉकेज पाए गए, जिनमें से एक ब्लॉकेज थे जिसमें मेम्ब्रेन बस्ट होने के कारण उसमें एक स्टैंड डल गया। ट्रीटमेंट के बाद में फिर मुझे रिकमेंड किया गया कि 3 स्टैंड और डलेंगे जिसमें अभी 80% के आसपास में ब्लॉकेज हैं। तो उसके बाद में हमने डॉक्टर दिनेश जी के कहने से जो ECP इत्यादि की जो थेरापी हैं, जिसके बारे में डॉक्टर चेतन शर्मा से मुझे संपर्क करने के लिए कहा गया, तो मैंने उनसे संपर्क किया और जांच के बाद में हमने लोगों ने यह तय किया कि स्टेंट नहीं डलवाएंगे, किंतु ये जो थेरापी है जिसका पूरा लाभ लेना चाहिए। हमने ECP ली और साथ में जो कि ट्रीटमेंट थी उनको फॉलो किया है। प्राकृतिक रूप से जीवन शैली बदलने में इन्होंने जो कुछ भी मुझे बताया, जिसमें दूध की सारी प्रोडक्ट बंद करी और फल फ्रूट इत्यादि लेना है, समय समय पे सारे भोजन व्यवस्था घी इत्यादि बंद करने का कहा था, तो मैंने उसको ठीक वैसे ही फॉलो किया। तो प्रातःकाल सुबह मॉर्निंग वॉक इत्यादि और प्राणायाम जो बताया गया था मैंने उसी को फॉलो किया हुआ है। तो उसके बाद में जब हमने रिपोर्ट करवाई तो रिपोर्ट में हमें बहुत अच्छा एक रिज़ल्ट मिला। जब मेरा हार्ट अटैक हुआ था उस समय हार्ट की जो पंपिंग थी वो 40% बता रहे थे, लेकिन ECP की पूरी थेरापी पूर्ण होने के बाद में हमने पाया कि ये 57% हो गई है, माने हार्ट मेरा बिल्कुल सही तरह से काम करने लगा है। तो उसका मैं अपने जीवन शैली में भी महसूस करता हूँ, ताकि अभी वर्तमान समय में मैं प्रतिदिन 4 से 5 किलोमीटर वॉक करता हूँ और हल्की सी जॉगिंग जिसको बोलते हैं वो करीब करीब 1.5 किलोमीटर करता हूँ और 100 मीटर की दौड़ भी कर लेता हूँ कभी कभार, ताकि मैं अपने आप को जांच सकूँ कि मैं फिट हूँ कि नहीं। जीवन शैली में अभी भी फॉलो करता हूँ कि नहीं खाना घी भी नहीं खाना, दूध की बनी हुई सी चीज़ों को भी नहीं खाना। तो अभी मैं पूर्ण रूप से महसूस करता हूँ, अभी मेरी कोई भी दवाई नहीं चल रही है और स्टैंड की वजह से मुझे एक ब्लड थिनर की आवश्यकता रहती है, अन्यथा मुझे कोई भी दवाई की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है। मित्रों से मेरा ये निवेदन है कि अगर हम इस तरह से इस थेरापी को फॉलो करते हुए जीवन शैली को अपनाएंगे तो निश्चित रूप से मेरा जो अनुभव है कि 100% रिवर्सल प्रोसेस के माध्यम से हमारी आर्टरीज के जो ब्लॉकेज हैं उसको हम निर्मूल कर सकते हैं और हम स्वस्थ हो सकते हैं। तो जैसे जीवन शैली बताई जाए उसको पूर्ण रूप से आप सभी उसको अनुसरण करें, फॉलो करें, तो आपको भी इतना ही लाभ मिलेगा जिससे मुझे मिला है। बहुत बहुत धन्यवाद।